आज के वीडियो में आपको वरुण धवन की वाइफ नताशा दलाल की प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वरुण धवन और नताशा दलाल का एक बहुत ही क्यूट कपल है और दोनों के कपल को फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों जनवरी 24, 2021 को शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे और शादी के बाद से ही दोनों की प्रेगनेंसी को लेकर नेटिजंस की काफी ज्यादा आईज उन पर हैं। आपको बताते चलें कि वरुण धवन अपनी को स्टार कृति सैनन के साथ अपनी आने वाली फिल्म भेड़िया की प्रमोशंस में बिजी नजर आते हैं और रिसेंटली इसी की प्रमोशंस के लिए दोनों बिग बॉस सीजन 16 में गए, जहां पर सलमान खान के साथ दोनों ने बहुत मस्ती की और कुछ फन गेम्स भी प्ले की। एक गेम प्ले करते हुए सलमान खान ने वरुण धवन को एक टॉय दिया और उनको ये कहा कि ये आपके बच्चे के लिए है, जिस पर वरुण धवन ने रिप्लाई किया कि बच्चा हुआ नहीं है अभी। लेकिन सलमान खान के रिप्लाई ने इस सब कन्वर्सेशन को एक न्यू मीनिंग दे दिया और फैंस अब ये कह रहे हैं कि वरुण धवन और नताशा दलाल अपने फर्स्ट चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सलमान खान ने अपने शो पर यह हिंट दिया है। जी हाँ, इसके बाद सलमान खान ने वरुण धवन से कहा कि ये आया है तो बच्चा भी आ ही जाएगा। थैंक यू भाई, भाई इसका क्या मतलब है कि ये अपने बच्चे के लिए? तो मेरा बच्चा हुआ है, ये आया तो वो भी हो जाएगा। और इस सब को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी है और यही बताया जा रहा है कि सलमान खान ने यह हिंट दे दिया है कि वरुण धवन और नताशा दलाल अपने फर्स्ट बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नताशा दलाल इस समय प्रेग्नेंट भी हैं। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में यह आ चुका है कि नताशा दलाल प्रेग्नेंट है और वो ये अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को फिलहाल अपने घर में गुजार रही हैं और मीडिया के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। नताशा दलाल के बारे में बात करें तो नताशा दलाल मीडिया से वैसे भी दूर ही रहती हैं और उन्हें लाइमलाइट कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं है, इसलिए वो इतनी जल्दी ये न्यूज़ भी अपनी मीडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहती। आपको बताते चलें कि सिर्फ यही नहीं, सलमान खान के इस शो बिग बॉस में और भी कई सारी रिवीलेशंस होती रहती हैं, जिनमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की रिवीलेशंस भी हो चुकी है और ये भी बताया गया था कि दोनों शादी करने वाले हैं, जो बिल्कुल एक सच्ची न्यूज़ थी। और अब इस न्यूज़ के बारे में भी, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी कोई डाउट नहीं है और यही बताया जा रहा है कि वरुण धवन बहुत जल्दी पेरेंटहुड एम्ब्रेस करने वाले हैं और वो इस न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। और जिस तरह से शो पर वो शाये हो रहे थे और वो थोड़ा थोड़ा शर्मा रहे थे, इससे भी ये दिखता है कि वो बहुत जल्दी पापा बनने वाले हैं, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हैं। आपको वरुण धवन और उनकी वाइफ नताशा दलाल के फर्स्ट बेबी होने के बारे में जानकर कैसा लगा और आप दोनों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।